नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सिंह। आज का ये वीडियो मैं ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया हूँ जो साल 2020 की CGPSC की परीक्षा के बाद असफल हो गए हैं और ख़ुद को हताश या निराश महसूस कर रहे हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने इस बार अटेम्प्ट दिया था, इंटरव्यू तक पहुँचे, लेकिन इंटरव्यू के सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ऐसे में जब मैंने उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की तो लगभग ऐसे सभी एस्पिरेंट जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उन सभी के फ़ोन स्विच्ड ऑफ है। उनसे संपर्क करने पर भी उनके बारे में पता नहीं चला। ये एक ऐसा दौर होता है जब आप पूरे लगन पूरे शिद्दत के साथ परीक्षा देते हैं। लगभग पूरे एक साल की प्रक्रिया रहती है और अंतिम स्तर तक पहुंच जाने के बाद जब नतीजे आते हैं और आपका नाम उस अंतिम सूची में नहीं रहता है तो वाकई ये हताश करने वाली बात तो होती ही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी पूरी उस मेहनत को ही गलत माने जिसने इस पूरी मेहनत के दम पर आपको इस शिखर तक पहुँचाया था। याद रखिए कि जब आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा था तो उस वक्त तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन इंटरव्यू के लिए सिर्फ 510 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ। और अगर आप उस 510 लोगों में से शामिल थे तो आप भी उस अपेक्स तक पहुंच गए थे जहां पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में इस एक मंजिल के पास तक पहुँच कर आप दो कदम पीछे भी आ गए तो क्या होता है। विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक चलो जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। एक सिविल एस्पिरेंट होने के नाते, दो बार CGPSC क्रैक करने के नाते मेरी आप सभी यूथ से ये सलाह है कि आप अपने भीतर निराशा को हावी न होने दें। आप आकलन करें कि आखिरकार गलती कहाँ हो गई, वो कौन सी चूक हो गई जिसकी वजह से आप अंतिम सूची में अपना स्थान नहीं बना पाए। मार्क्स जारी हो गए हैं तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार 1 से लेकर 7 तक के पेपर में किसी पेपर में गड़बड़ी हो गई, किसी पेपर में आपके मार्क्स कम आए या फिर इंटरव्यू में आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाए। पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक के बीच के विषय का जो मार्क्स हैं उसको आकलन करिए कि आपने जो परफॉर्मेंस दिया था उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस हुआ या नहीं हुआ। इंटरव्यू में आप अपने आपको खुद को देखिए कि आपने इंटरव्यू दिया है तो आपको क्या उम्मीद थी और क्या मार्क्स मिले हैं। मार्क्स कम मिले हैं तो क्यों मिले हैं, इस बात को लेकर चिंतन और मंथन करिए ताकि आपका आने वाला जो प्रयास है वो और बेहतर हो सके। याद रखिए, असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हम हर एक गलती से सीख लेते हैं और इन गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ये मान लेंगे कि आप असफल हो गए हैं, आप जो है हताश हैं, निराश हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी अगले 2 महीने के दौरान बैक टू बैक एग्ज़ाम है। सबसे पहले स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम है, उसके बाद ACF रेंजर का एग्ज़ाम है और उसके बाद ADPO का एग्ज़ाम है। ये सारे एग्ज़ाम जब तक बीत रहे होंगे तब तक 26 नवंबर को साल 2021 CGPSC का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और फरवरी के सेकेंड वीक या फरवरी के सेकेंड संडे को ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो आप देखिए कि आपके पास समय काफ़ी कम है। कितना अच्छा है कि आयोग जो हर बार प्रीलिम्स के 10-15 दिन पहले रिजल्ट जारी करता था, उसने इस बार लगभग 3 महीने पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया है। तो अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई थी, कुछ चूक हो गई थी, तो आपको उन गलतियों को सुधारने के लिए बहुत ही बेहतर मौका है। अगर आप प्रीलिम्स में चूके थे तो आपके पास अगले 3 महीने हैं कि आप उन प्रीलिम्स की गलतियों को सुधार सकें। अगर आप मेंस में चूके थे तो इन 3 महीनों के दौरान आप ये फील कर सकते हैं कि आखिरकार आपके मार्क्स कहाँ कम रह गए, और अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स कम थे तो आप अपनी स्किल को और बढ़ा सकते हैं। अब आपके पास वक्त ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं अगले प्रीलिम्स के लिए। तो मेरी राय और मेरी सलाह ये है कि आप अपनी निराशा के भाव को अपने भीतर से निकाल दीजिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपके भीतर पॉजिटिविटी भरें, एक सकारात्मक ऊर्जा भरें, ताकि आप दोगुने उत्साह के साथ अपनी अगली तैयारी के लिए फिर से लग जाएं। रिजल्ट आए हुए काफ़ी समय हो चुका है। जिन लोगों को खुशियां मनानी थी वो खुशियां मना रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए अब आगे की राह प्रशासनिक सेवा में आने की है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें एक बार फिर से उस प्रक्रिया से शुरू करना होगा जिसमें एक बार फिर सारे कैंडिडेट का लेवल बराबर होता है। तो आप फिर से जुट जाइए अपने एग्ज़ाम के लिए, जो प्रीलिम्स है अगली बार फरवरी में आपको देना है, और अपनी पुरानी कमियों को गलतियों को सुधारते हुए इस बार कोशिश करिए कि इस बार जब फाइनल रिजल्ट आए तो उस एक PDF में आपका नाम ज़रूर आए।
देखिए हम यहाँ पे खरगोश और कछुए के रेस की बात नहीं करेंगे। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि जो रेडी और स्टेडी होता है वही जीतता है। तो यहाँ पे आपको अपनी स्मार्टनेस दिखानी होगी। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आपको खरगोश भी बनना है और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आपको कछुआ भी बनना है। तो फिलहाल आप लंबे समय से बैक टू बैक एग्ज़ाम दे रहे थे। साल 2020 साल 2019 पीएससी के परिणाम लगभग एक महीने के अंतराल पर ही आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जंप करने का मौका मिला है, जिनकी रैंक सुधरी है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों ही अटैम्प्ट में इंटरव्यू दिया लेकिन दोनों ही अटैम्प्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप तुलसीदास की जीवनी पढ़िए, आप विवेकानंद की जीवनी पढ़िए। दो किताबें मैं आपको बताता हूँ। विवेकानंद की जीवनी के लिए आप पूत अनोखो जयो पढ़िए और मानस का हंस पढ़िए तुलसीदास की जीवनी के लिए। इन दोनों किताबों में जब आप इन दो महापुरुषों की जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि असफलता नाम की वाकई में कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपने अपने अंदर ठान लिया है कि आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, उन गलतियों को दूर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक दिन आप निश्चित तौर पर शिखर पर होंगे। आप ये मत देखिए कि आपके आलोचक क्या कह रहे हैं, आप ये मत देखिए कि आपके रिश्तेदार किस तरह से आपकी आलोचना कर रहे हैं, आप ये मत देखिए कि आपका दोस्त जो आपके साथ परीक्षा दे रहा था आज वो एक ऑफिसर बन गया है। आप ये देखिए कि आपके भीतर वो क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। फ़ोन बंद कर लेना, रिश्तेदारों से बात ना करना, दोस्तों से खुद को दूर कर लेना, समाज से अपने आप को कट ऑफ कर लेना, ये कहीं से भी उचित रास्ता नहीं है। उचित रास्ता यही है कि आप ये जो रिज़ल्ट है इसके प्रेशर से जल्दी अपने आप को बाहर निकालिए और एक बार फिर से अपनी तैयारियों में भिड़ जाइए। मेरे मैसेज बॉक्स में आपको जिस तरह की भी परेशानी है, मैं कोशिश करूंगा अगर कोई सुझाव दे सकूं या आपकी कमियों को दूर कर सकूं तो मैं उसे करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा बनाने का उद्देश्य यही है कि आप फिर से अपने आप को, आपके भीतर जो ऊर्जा है उसको भरिए और एक बार फिर से उसी लगन के साथ, उसी शिद्दत के साथ आने वाली परीक्षा की तैयारी में भिड़ जाइए। बीते हुए कल के बात को याद रखने का कोई फायदा नहीं है, वो आपको दुख ही देगी। इसलिए आप अपनी उन कमियों को दूर करिए और एक बार फिर से उस तैयारी में भिड़ जाइए जिस तैयारी के लिए आपने कई वर्षों तक मेहनत की है। हालांकि वो लक्ष्य अभी तक आपको नहीं मिल पाया है लेकिन उदास होने से, निराश होने से वो लक्ष्य आपसे और दूर चला जाएगा। इसलिए उस लक्ष्य को पाने के लिए उठिए, जागिए और उस तक तब तक चलते रहिए जब तक कि वो आपको मिल न जाए। याद रखिए, आपकी जो उड़ान है वो आपके पंखों से नहीं है बल्कि आपके हौसले से है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।